विकास लक्ष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 21वें नंबर पर आने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में विकास की गति आगे बढ़ने की बजाय पूरी तरह से रुक गई है। बीते एक साल में विकास आगे बढ़ा ही नहीं, नया काम शुरू करने की बजाय उन कामों को रोक दिया गया जिन्हें पिछली सरकार ने शुरू किया था। रमन सिंह ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ का आने वाला 4 साल बदहाली का साल होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीते 15 सालों तक सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसे मेंटेन तक करने की इच्छा शक्ति इस सरकार की नहीं है। छत्तीसगढ़ का आने वाले 4 साल बदहाली का होगा और निश्चित रूप से जितना हमने 15 साल में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था उसमें को मेंटेन करने की भी ताकत नहीं है सरकार के पास।